हेलो गाइस, एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको जंतर मंतर घुमाने वाले, तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उज्जैन शहर में दक्षिण की ओर क्षिप्रा के दाहिनी तरफ जयसिंहपुर नामक स्थान में बना यह प्रेक्षागृह जंतर मंतर महल के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर के महाराजा जय सिंह ने सन 1733 सवाई राजा जय सिंह जिन्होंने बनवाया था। ये देखिए, ये देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं पूरी पृथ्वी बनी हुई है और हर जगह का इसके अंदर नाम लिखा हुआ, हर देश का वगैरह। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंडिया और कितना चाइना, और चाइना कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है। वो धूप की वजह से आपको सही पाकिस्तान देखो कितना सा पिता सा पाकिस्तान छोटा सा वोरा वोरा वोरा। तो आपको अंदर ले चलते हैं फाइनली। चलिए, क्या नाम है आपका? अनिकेत। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, जीवाजी वेशशाला का। काय का? जीवाजी वेशशाला का। जीवाजी वेशशाला का। और इसका इतिहास मैं बता देता हूँ आपको। इसका निर्माण 1719 राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा हुआ है। अच्छा, ये भारत की सर्वप्रथम वेशशाला है। इसके बाद उन्हीं के द्वारा दिल्ली, जयपुर, मथुरा और बनारस में और वेशशालाओं का निर्माण कराया गया। अच्छा, वहाँ पे भी निर्माण किया गया है ना। ये हमारा पहला यंत्र है जिसको हम कहते हैं शंकु यंत्र। इस पर आपको कुल 7 लाइन, एक स्तंभ और 360 डिग्री का एक गोला दिखाई देगा। अच्छा। ठीक, इसमें पहली लाइन कैंसर है, बीच वाली इक्वेटर है और आखिरी वाली कैप्रिकॉर्न है। स्तंभ की परछाई सन की गति को बताती है। अच्छा। जब सूर्य पूरी तरीके से कर्क रेखा पर, मतलब फर्स्ट लाइन पर आ जाएगा, फर्स्ट लाइन पर आ जाता है, परछाई फर्स्ट लाइन पर आ जाएगी, तो दिन सबसे बड़ा होगा, वो होगा 21 जून का। अच्छा। जब 20 तक पहुंचेगी तब दिन और रात बराबर होंगे, और जब आखिरी वाली मकर लाइन पर पहुंचेगी तो दिन सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून का, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन रात बराबर होगा। अच्छा, तो चलिए आगे और भी है हम आपके साथ। ये है हमारा सनडायल, सूर्य घड़ी है, इसको कहा जाता है सम्राट यंत्र। और क्या करूँ, मान लो ये सम्राट यंत्र है हमारा, इसको धूप घड़ी कहा जाता है। अच्छा। ये घड़ी आपको बताएगी उज्जैन का लोकल टाइम, यहाँ का स्थानीय वक्त। अब स्थानीय वक्त को भारतीय समय अनुसार करना है तो अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मिनट और जोड़ना पड़ेंगे, तब जाकर लोकल टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपको जोड़ना है इसमें 41:41 मिनट, तब जाकर लोकल स्टैंडर्ड में चेंज होगा। ये जो समय बताएगी उसको हम कहते हैं छाया समय। अच्छा, छाया समय के लिए। ये पूरी घड़ी है सर। अच्छा, घड़ी 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 पूरा ब्लॉक है, 15 मिनट का है, 5 मिनट वाला है, 1 मिनट और 20 सेकंड वाला। अच्छा, ठीक, एक ब्लॉक 15 और 15:30, 30 5 15:45, 5:50, 12:50 यहाँ का लोकल टाइम हो चुका है। अच्छा। 50 में 41 जोड़ लेगा, 1:30 आपका स्टैंडर्ड टाइम आ चुका है। ठीक, 6 घंटे इस पर चलेगी और 6 घंटे इस पर चलेगी, 6 घंटे इधर चलेगी और 6 घंटे इधर चलेगी, 6 से 12 और 12 से 6। अच्छा, ठीक, चलिए। दिगंश यंत्र, दिगंश का मतलब होता है दिशा दिखाने वाला यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से हम किसी भी ग्रह और नक्षत्र के अल्टीट्यूड और अजीमुथ निकाल सकते हैं। जब कोई ग्रह या नक्षत्र इस गोले के ऊपरी आसमान में हमें दिखाई देगा तो हम इस खंभे के ऊपर एक टूरी नामक यंत्र और लगाएंगे। उस यंत्र के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों से निकाला जा सकता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के क्षेत्र कितना ऊंचा और किस दिशा की ओर बढ़ रहा है।
इसको बोला जाता है नाड़ी विलय यंत्र। इस यंत्र का काम है किसी भी ग्रह इसका काम है सन के एमएस पर होना दिखाना कि सन उत्तरायण में है या दक्षिणायण में। अभी सूर्य दक्षिण की ओर है तो हमारी दक्षिण वाली घड़ी चल रही है। सिक्स मंथ ये घड़ी चलती है और सिक्स मंथ इसके आगे वाली चलती है। इसके छः महीने चल ये टाइमिंग बता रहा है टाइम। अच्छा 11, 15, 30, 45 और 10, 50। अच्छा इसमें भी आपको 41 मिनट जोड़ना है। ये इसकी परछाई की वजह से पता पड़ता है ना। ठीक है अब इसका जो समय शुरू होता है 23 सितंबर से 21 मार्च उसका 21 मार्च से अगले 23 सितंबर। जब कोई ग्रह या नक्षत्र इस दीवार की ऊपरी सीमा में दिखाई देगा तो दोनों किलो के धागो को हम सीधा कर लेंगे। सीधा धीरे धीरे इसका क्रॉस बनाना चालू करेगा। जिस एंगल पर धागो का क्रॉस और दिखने वाला ग्रह एक लाइन में होगा वो उसका नतांश या कोण होगा। अच्छा। जितना नतांश कटता है उसमें से 23.5 डिग्री हमें घटाना है क्योंकि इतना एक्सेस हमारी खुद की पृथ्वी का। अच्छा। बचा हुआ एक्सेस सामने वाले प्लैनेट के एक्सेस को बता देता है। ये अलग अलग नतांश है और दिशा में। अच्छा वो एक ऊपर क्या घूम रहा है ये नक्षत्र वाटिका सामने शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन मध्य प्रदेश नक्षत्र वाटिका। अबे मेरा हाथ पिंटू ये सारे ग्रह के बारे में बताया है। ये देखो वो रहा सूर्य, ये रहा बुध, शुक्र, शनि, अरुण, मंगल, पृथ्वी। पृथ्वी ये रही छोटी सी, मतलब सूर्य के आगे पृथ्वी इतनी सी है। सूर्य सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सूर्य ग्रह क्या है? मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है, प्रजापति, अरुण, सब अलग अलग है। सूर्य सबसे बड़ा है ना। ये एक झरना है जो अभी चलू नहीं है, अभी तक ऐसे बंद है और ये जब चलता है तो वहाँ से पानी आता है और उधर की तरफ जाता है। तो देखिए काफ़ी सुंदर बना रखा है। यहाँ से पानी आता है इसके अंदर और यहाँ से होते हुए नीचे जाता है जाके वहाँ पे एक सांप बना हुआ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। नाग, नाग
यहाँ से जो पानी आता है वो इसी के अंदर से वापस रिटर्न होके जाता है और वही वो पानी वापस आता है। हाँ वो रिसाइकलिंग होती है और क्या। तो आप सभी को कैसा लगा जंतर मंतर? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उज्जैन की जितने भी घूमने वाली जगह है हम आपको अपने वीडियो में बता सकें, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से आप आराम से इजीली यहाँ तक आ सकें। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और अगली वीडियो। एक बात दिल और दिमाग खोल के बोलना चाहता हूँ, लोंडा बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि उसका चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है। रिक्वेस्ट है मेरी।